उस दिन जैसे अमित शाह बोल के गया, कहाँ बोल के गया, नॉर्थ बंगाल में, कि आने से गुहत्ता बंद करेगा, एक नंबर मस्जिद का अजान बंद करेगा, सब रुकआउट करेगा, निकाब का रुकआउट करेगा, बुरका का रुकआउट करेगा, सब करेगा। वो तो ये तो आप देखा, हम देखा, सब देखा, सब तो बेच डाला, बैंक बेचा, रेल बेचा, ये LIC बेचा, सब तो बेच दिया। आपका हमारा अमानत बैंक से लूट हो रहा है, बैंक से रुपया कौन लूटता है। सीक्रेट पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ जुइफा आपके साथ। आज मैं पहुँच गई हूँ बंगाल के पांचला में, यहाँ जानने के लिए यहाँ चुनावी माहौल कैसे है, आइए यहाँ मौजूदा सभी से जान लेता है। भैया आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है इस बार, सरकार कौन सा सरकार आने वाला है इस बार? देखिए काम तो सारी पांचला में हुआ, जिसमें कि हम यहाँ का मुखिया भी हैं, तो बावजूद इतना चीफ मिनिस्टर आया है, जितना काम की इस बार हुआ है इतना काम हमने देखा नहीं है। लगभग हमारा उम्र 75 चल रहा है, तो बावजूद हमने इतना देखा नहीं। हमने बहुत दिन से पॉलिटिक्स भी किया है, तो इतना काम हुआ है, इतना उन्नति हुआ है पांचला में, जो कि कभी नहीं हुआ है। और वो भी ममता दीदी का दया से और गुलशन मल्लिक का प्रचेष्टा से। गुलशन मल्लिक भी बहुत काम का आदमी है, काम करता है और सबसे मिलजुल करके चलता है, जिसको एक तो लीडर बोला जाता है। तो अभी लगता है कि तृणमूल आएगा हमको, लेकिन BJP का कहना है इस बार वो लोग सत्ता में आएंगे। देखिए वो बोलने वाला बोलेगा, वोट तो देगा जनता, वोट किसी के घर का नहीं है, जनता जिसको चाहेगा वही आएगा। तो जनता चाह रहा है कि दीदी आए, लेकिन BJP का कहना है बंगाल के जनता BJP को चाहते हैं, क्योंकि वो लोग उन्नयन चाहते हैं जो दीदी ने नहीं किया है। देखिए उन्नयन तो ममता जी कम नहीं किए हैं, इसका अगर करने का हम देख नहीं पा रहे हैं हमारा उम्र से। अब BJP आगे क्या करेगा वो तो ऊपर वाला जनता है, आएगा तब तो, लेकिन आना असंभव है। तो वो आते आते हम जानता है हम चले जाएंगे, BJP आते आते इस बार नहीं आएगा। अगर कभी आया बाद में तो दूसरी बात है, इस बार दीदी का जुआर चल रहा है और यहाँ गुलशन मल्लिक जीत रहा है। BJP का कहना है 34 साल तो दिया बाम को, 10 साल TMC को, एक मौका राम को देना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो हमने सुना था TV में, ABP आनंद में बोला था 2021 में राम को और 24 में बाम को। तो 24 में बाम को क्या देगा, जब तक नहीं ये तृणमूल छोड़ेगा तब तो कोई राम आने वाला नहीं है, समझे ना। अभी राम जो है छोटा है, वो होगा कैसे, आई दीदी जो है ऊपर चढ़ी हुई है, तो इसको पटकना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। आदमी सोचता आसान, नहीं आसान नहीं है। हर एक मंत्री मतलब बाहर से भी, मतलब हर एक देश के मतलब स्टेट के मंत्री लोग बंगाल आ रहे हैं, दीदी के ऊपर दबाव डाल रहे, सब लोग अपने पूरे ताकत लगा। यही तो बात है, बंगाल का आदमी इतना बुद्धू नहीं है कि ये लोग बाहर से आकर के लूट लेगा, नहीं मुश्किल है। बंगाल का आदमी में कुछ समझदारी है, बंगाल का आदमी में कुछ पहचानी है जो कि बाहर में नहीं है। अब बाहर का आदमी आता लूटने के लिए, ये हम लोग एकदम। लेकिन BJP का कहना है दीदी ने बंगाल को लूट लिया है। नहीं ये तो गलत बात है, अगर लूट लिया तो नमूना तो आपके सामने है, आप जो खड़ा है यहाँ पर ये नमूना है, ये लाइट जो चल रही है तो ये नमूना है, तो फिर कैसे लूट लिया? आप बोलेगा अम्फान ने, यही बोलेगा ना, ये लोग तो वही लेके चिल्ला रहा है। हाँ अम्फान में, अम्फान में गरीबों का घर नहीं मिला है, खाना राशन पानी नहीं मिला है।
राशन कार्ड तो हम जानता है आपको 99.5 मिल गया है। अब थोड़ा बहुत कोई जो है एप्लीकेशन का कोई गलती में, कोई कागज का गलती में अटका हुआ है, जिसका अंदर में होने वाला था वो इलेक्शन आज घोषणा होने पर, घोषित होने पर बंद है, और वो भी इलेक्शन होने के बाद में मिल जाएगा। पब्लिक के हाथ में रेशन कार्ड मिल जाएगा जिसका बाकी है। हम लोग पूरा कोशिश में लगा हुआ है। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा इलाका का, हमारा क्षेत्र का आदमी आराम से रहे, चैन से रहे और सुख से रहे, शांति से रहे, हम लोग ये चाहते हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है दीदी के राज में कोई सुख शांति नहीं है, अशांति है हर जगह। देखिए वो जो विरोधी है वो तो बोलेगा, वो बोलना यही तो काम है उनको। वो एक तो बात था, बोले दिल्ली का लड्डू जो खाया वो भी पछता है, जो नहीं खाया वो भी पछता है। तो अभी हम कैसे बोलेगा और क्या कर देगा? हम जिसको सामने देख रहे हैं उसी के बाद हम बोलेगा। हम देख रहे हमारा आगे हमारा MLA गुलशन मल्लिक है, जो कि काम का बात कुछ नहीं सोचता है, रात और दिन उसका काम है काम करना। अब रात को 3 बजे 2 बजे फोन उठाइए, गुलशन मल्लिक हेलो कर देगा, आपका कुछ हुआ पहुंच जाएगा, तो आदमी किसको देखेगा? आदमी यहाँ कोई बीजेपी वाले को देखेगा ना? हमारा आपद विपद में जो आएगा हम उसको देखेगा। लेकिन बीजेपी का कहना है एक मौका उनको देना चाहिए। देखिए ये तो हर कोई बोलता है, ये तो हर कोई बोलता है हमको मौका दो। ऐसा करते करते CPM वाला बाम लेफ्ट फ्रंट वाला 34 साल गुजारा, लेकिन 34 साल में क्या किया वो तो सबको मालूम है और सबको खबर है। तो वो तो सबको मालूम है, सबको खबर है 34 साल में क्या हुआ है, और ये 10 साल पिछले 10 साल रनिंग 10 साल में क्या हुआ है ये सबको मालूम हो गया। ये हम लोगों क्या बोल रहे हैं? सिर्फ बीजेपी नहीं और भी बहुत सारे टीम जैसे कि बाम कांग्रेस और ISF का जोट, अब्बास सिद्दीकी भी ऐसे चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा कैंपेन करे, क्या लगता है उनके टीम के जितने कोई चांसेस है संयुक्त मोर्चा का? ये लोग थोड़ा तरक्की करेगा, ये बाम और आपको क्या नाम है ये 11 पार्टी का जोड़ जो है ISF, हाँ ISF थोड़ा से तरक्की करेगा, इसलिए करेगा थोड़ा। आपको कांग्रेस का वोट कुछ है? कांग्रेस का वोट जाएगा एक ही जगह डाला जाएगा, जो आदमी जो करता है दिल से वो वोट अपना उस जगह डालेगा। ISF में नहीं जाएगा ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। आदमी यहाँ हम लोग सेक्युलर स्टेट है, तो इसमें हम लोग सबको ही चाहता है, सबका हम लोग का स्वाधीनता है, स्वाधीनता चलते हम आपको भी वोट दे सकते हैं, हम BJP को दे सकते हैं, हम कांग्रेस को दे सकते हैं, हमको वोट में कोई रुकावट नहीं है। क्या मुसलमानों का वोट बांट जाएगा? नहीं, ये गलत बात है, ये हिंदू मुस्लिम ये तो किसी का बनाया हुआ है। किनका? हम पर लिखा हुआ है हम मुस्लिम है। हाँ आप बोलिएगा मेरा पास दाढ़ी है, हम हाजी साहब है, तो हमारा पास लिखा हुआ है, लेकिन और के पास लिखा हुआ है कि वो हिंदू है मुस्लिम है? हम दो जाति जानते हैं और दुनिया में हम जाति नहीं जानते जो कि कुदरत का बनाया हुआ, क्या? नारी और पुरुष, महिला और आदमी, यही दो जाति है और जाति नहीं है। हम अल्लाह को बुलाते हैं, आप राम को बुलाते हैं, यही फर्क होता है। हम क्या करते हैं? 5 वक्त अल्लाह को बुलाते हैं, अल्लाह का पास हाथ उठाते हैं, और आप राम का पास जाके घंटा बजाते हैं, यही फर्क है। और वो फर्क को लेकर के ये लोग अपना अपना काम बनाता है, कौन? ये पॉलिटिकल लीडर लोग। क्या BJP हिंदू मुस्लिम करके बंगाल के सत्ते में आ पाएंगे? देखिए ये तो उसके सबके कहने का बात है, किसी को आप जो हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं कि आप हमारा मुंह दबा दीजिएगा, नहीं दबाइएगा, आप तो हमसे कुछ लेने का लिए आए हैं, समझे ना? तो ऐसा आदमी तरीका का है, वो अपना बोलेगा। 1 अप्रैल से नंदीग्राम में वोट चालू होगा, ठीक है, मतलब आज के बाद, तो आपको क्या लगता है नंदीग्राम में इस बार कौन सा सरकार? देखिए नंदीग्राम में काम तो ममता जी ने किया है, शुभेंदु को तो वो तो बच्चा था, उसको उठा के लाया था, वही शुभेंदु एक दिन बोला था कि हमारा दो माता है, कौन? उसका एक अपना माँ है और एक ममता जी माँ है, और अभी वो गद्दारी किया ममता जी से, ये तो खुला हुआ बात है। अभी कौन नहीं देख रहा कि वो
किससे राजनीति सीखा है, कहाँ से उठा है, कहाँ से बड़ा हुआ है, यहाँ से चोरी करके जितना था सब लेके चला गया। आमफल तो वही लोग लेके चला गया, आमफल ममता जी ले लिया है, लूटा वही लोग जो लोग आज निकल गया। कौन कौन है? कौन कौन? जिसमें आपको शुभेंदु है, जिसमें आपको राजीव बनर्जी है, ऐसा करके जिसमें आपको ये डालमिया है, जिसमें आपको क्या नाम है आपको, अरे भाई अर्जुन सिंह है, अर्जुन सिंह, ये सब लोग है। ए मुकुलडा है, उसमें एक नंबर जो है मुकुलडा है, पूरा डकाइत है, चोर नहीं है डकाइत है। अब आगे चलकर हम क्या बोलेंगे, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, आप तो ये माइक्रोफोन लेकर के हर जगह जाकर के इंटरव्यू लेते हैं, तो इंटरव्यू में आपको मिलता है, तो ये तो हमारा और इसका आगे बोलने का नहीं है दीदी। हम तो गांव में रहता है, हम गांव वाला है, हम कोई टाउन वाला शहर शहर वाला नहीं है, लेकिन हमारा भाग यही है कि आप मेरा गांव में ढूंढते ढूंढते आया है, इसके लिए हम आपका शुक्रिया गुजार करेंगे, और क्या करेंगे आपका, बस आपको थैंक यू देंगे, इससे आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। खूब बहुत होगा तो हम आपको ले जाकर इतना खातिर कर सकते, मेरे यहाँ पानी पीजिए, चाय पीजिए, इतना ही। ये क्या होता है, ये मेहमानी होता है, ये आपका साथ मेरा सालुकत होता है, तालुकत होता है, तालुकत करना आदमी का फर्ज है, और नफरमानी करना आदमी के लिए गुनाह है, हम इतना जानते हैं। तो आपको क्या लगता है, शुभेंदु अधिकारी ने नफरमानी किया दीदी के साथ? दीदी देखिए, दीदी जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे जो जो कुछ बोलेगा, दीदी हमारा जीत गया है, ये तो 2 तारीख को आपको रिपोर्ट मिलेगा। लेकिन बीजेपी का कहना है 2 स्टार में आई दीदी गई और बीजेपी सरकार आई, या आप भी रिपोर्टिंग में ले रहे हैं कि होटल में करोड़ करोड़ रुपया लेकर के दिल्ली से आया हुआ नेता लोग बैठा हुआ है, क्या करता है वहाँ बैठा बैठा रुपया दे करके वोट कीनता है, वोट कीन करके लोग चलाता है, लेकिन हमारा गुलशन के पास पैसा नहीं है, ममता जी के पास पैसा नहीं है, हम लोग मेहनत करके इसको उठाता है। 27 मार्च से पहली दफा का वोट ऑलरेडी हो चुकी है, पहली दफा का, अभी तो सेकंड फेज चल रही है, वो हमारा तरफ गया है, दीदी का तरफ गया है। हाँ तो बहुत दीदी हमारा आ रहा है, आप एकदम इतना रखिए। 27 मार्च से पहली दफा का वोट हो चुका है, तो बहुत लोगों का आरोप है कि जैसे वो लोग वोट तो टीएमसी वालों को दे रहा है लेकिन जा रहा है मतलब बीजेपी वालों को, ईवीएम में काट का। यही तो बात है, बाहर से कुछ लोग बीजेपी है, अंदर जो है आपको क्या नाम है, तृणमूल है दीदी, अंदर में दीदी बाहर में बीजेपी, अब क्या कीजिएगा। क्या बंगाल के राजनीति में ईवीएम के साथ कोई छेड़खानी होती है? ए ईवीएम जो है जो जीतेगा वो आपको क्या नाम है शुभेंदु, तो जान लीजिए कि ईवीएम भर के चला आया, ये 100% गारंटी आपको हम दे रहे हैं हमारा उम्र की तरफ से, के एकदम क्या नाम है ईवीएम भर के लाया हुआ है, करोड़ करोड़ रुपया खर्चा किया है और वो लोग लेने के लिए, लेकिन ताकत यहाँ जो है जनता का ताकत है, ममता दीदी के पास जनता का ताकत है, पांचलों में हमारा गुलशन के पास जनता की ताकत है, जो जनता के लिए लड़ता है हम उसको चाहिए। लेकिन बीजेपी वालों तो सोनार बंगला बनाना चाहते हैं इस बंगाल को। ना नहीं उतरा, ये तो आप देखा हम देखा सब देखा, सब तो बेच डाला, बैंक बेचा, रेल बेचा, LIC बेचा, सब तो बेच दिया, आपका हमारा अमानत बैंक से लूट हो रहा है, बैंक से रुपया कौन लूटता है, मोदी लूटता है ना दीदी लूटता है, दीदी लूटा है क्या? लेकिन बीजेपी वालों ने तो दीदी के ऊपर लूटने का आरोप लगाया है। वो तो लगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो चोर तो कोतवाल को डांटता है, ये तो वही खिस्सा है। हाल ही में एक यूपी के सीएम ने मतलब बताया है कि जैसे कि ट्रिपल तलाक को रोका गया है, वैसे अगर बीजेपी सरकार सत्ते में आए तो मुसलमान लड़कियों के ऊपर जैसे कि हिजाब नकाब बुरका है वो भी बैन कर देंगे। वो बीजेपी अगर आया तो यहाँ बा खुदा को मालूम है, बीजेपी अगर आया उस दिन जैसे अमित शाह बोल के गया, कहाँ बोल के गया, नॉर्थ बंगाल में, कि आने से गोहत्या बंद करेगा, एक नंबर मस्जिद का अजान बंद करेगा, सब रुकआउट करेगा, निकाब का रुकआउट करेगा, बुरका का रुकआउट करेगा,
वो सब करेगा, वो तो उसका है, वो तो सब कुछ कर लेगा, सब लूटता है वहाँ, ऐसा ही लूटा लूटता है, वही बोलने वाला नहीं है आगे पीछे ऐसा हो रहा। यहाँ हम लोग खुद ठीक नहीं है। अब बोलिए हम लोग का मतलब हमारा और जो पार्टी है, हम लोग अगर इकट्ठा हुए होकर लड़े तो कैसे बीजेपी ले जाए हम देखें।